मैं चूंकि भाषण दे दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को आने में देरी भी थी, मैं वहाँ से मंच संचालक से अनुमति ले करके और तब मंच से निकला था। इसके ठीक पहले 2-3 मिनट पहले डॉक्टर संजीव पर मंच पर आए थे। मुझे मालूम हुआ कि मेरे जाने के बाद उन्होंने मुझे गद्दार कहा और कहा कि मैंने भोला सिंह के चुनाव से लेकर गिरिराज सिंह के चुनाव तक मैं गद्दारी कर रहा हूँ। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहुंचे बिहार के बेगूसराय लोकसभा में गिरिराज सिंह का चुनाव प्रचार करने। उस दौरान मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बीजेपी के पूर्व एमएलसी और बड़े नेता रजनीश कुमार जब मंच पर अपनी बात कह के वहां से उतरे तो उनके जाते ही वहां पर प्रवक्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि उनको गद्दार कहा गया। इसी बयान के बाद जो है अब जो है सियासी जो है बवाल मचा हुआ है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि प्रवक्ता के विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार। इस पूरे मामले पर रजनीश कुमार जो कि पूर्व एमएलसी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे आते ही गद्दार मंच छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी बातें मेरे बारे में कही गई। मुख्यमंत्री के आने में देरी हो रही थी, ये कहना है रजनीश कुमार का, जिसकी वजह से उनको वहां पर जो मंच संचालक थे उनसे अनुमति लेकर के वो निकले थे। दरअसल उनके किसी रिश्तेदार का निधन हो गया था जिसकी वजह से उनके अंतिम दर्शन के लिए उनको जाना था, लिहाजा उन्होंने मंच पर इस जानकारी देकर के वहां से रवाना हुए। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब वो मंच से गए तो उनके जाने के ठीक कुछ मिनटों के पहले डॉक्टर संजीव जो है प्रवक्ता जो विधायक हैं जेडीयू के, वो मंच पर आते हैं और उनके जाते ही कह देते हैं कि मेरे आते कुछ गद्दार जो है वो मंच छोड़कर चले जाते हैं। इसी के बाद ये पूरा विवाद जो है वो दिखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले पर रजनीश कुमार ने डॉक्टर संजीव को जवाब देते हुए कहा है कि कम से कम जो खुद सरकार को गिराने में शामिल है, जिसे डीएसपी ने ढूंढ के निकाला हो, वो विधायक मुझे सर्टिफिकेट ना दे। मैं पार्टी के प्रति ईमानदार था, हूं और हमेशा रहूंगा। मेरे ऊपर 2014 में भोला बाबू को के खिलाफ प्रचार करने को लेकर के और 2019 में गिरिराज सिंह के खिलाफ प्रचार करने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। मैं पूरी तरीके से पार्टी के साथ निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर संजीव कुमार के भाई जो कि कांग्रेस के एमएलसी हैं उनके बारे में भी जो है वो उन पर निशाना साधा, कहा कि वो जो है एनडीए के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। खुद जो खगड़िया के मौजूदा प्रत्याशी एनडीए के राजेश वर्मा, उनके खिलाफ भी प्रवक्ता के विधायक जो हैं वहां पर प्रचार करने में लगे हुए। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ हुआ, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। 2014 में भोला बाबू के साथ और 2019 में गिरिराज सिंह के साथ। नहीं, मैंने सुना है कि मेरे जाने के बाद प्रवक्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि मेरे आते ही गद्दार मंच छोड़कर चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं मंच पर अपना भाषण देने के बाद और मैं मंच संचालक बलराम जी को बता करके गया था कि मेरे रिश्तेदार जो मंसूरचक प्रखंड के प्रमुख रहे श्री आदित्य सिंह उर्फ लालन जी का निधन हो गया था। लालन जी मेरे रिश्तेदार हैं और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए मेरे परिवार के सभी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। उसी समय मुझे फ़ोन आया और मुझे भी मेरे घर से निर्देश था कि आप भी आ जाइए। मैं चूंकि भाषण दे दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को आने में देरी भी थी, मैं वहां से मंच संचालक से अनुमति ले करके और तब मंच से निकला था। इसके ठीक पहले 2-3 मिनट पहले डॉक्टर संजीव पर मंच पर आए थे। मुझे मालूम हुआ कि मेरे जाने के बाद उन्होंने मुझे गद्दार कहा और कहा कि मैंने भोला सिंह के चुनाव से लेकर गिरिराज सिंह के चुनाव तक मैं गद्दारी कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि रजनीश कुमार कभी गद्दार न था, न है और न ही अपने पार्टी, अपने प्रत्याशी और अपने किसी के साथ गद्दारी करने का चरित्र मेरा रहा है। ऐसे लोग जो स्वयं अपनी पार्टी के सरकार, जिस दल के विधायक हैं उस दल के सरकार को गिराने में साजिश में शामिल रहे, लोगों को पता है, पूरे बिहार और देश को पता है कि उनके ही माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, सरकार के निर्देश पर उनको पकड़ करके और तब डीएसपी उनको लेके गया और विधानसभा में हाजिर कराया और वो सरकार को गिराने की साजिश में शामिल रहे। आज खगड़िया में पता कर लीजिए, खगड़िया के एनडीए प्रत्याशी श्री राजेश वर्मा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। महबूब अली कैसर जब तक वहाँ सांसद रहे उनके खिलाफ हमेशा साजिश करते रहे। हमारे वहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम आज से लगभग 1 सप्ताह पहले गोगड़ी में हुआ,
उनका विधानसभा क्षेत्र था, उनको मंच पर रहना चाहिए था, एनडीए के विधायक थे इसलिए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अपमान उसने किया और वो नहीं आए मंच पर। हमारे प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो हम सब के नेता हैं, श्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम उनके विधानसभा क्षेत्र महदीपुर में हुआ आज से लगभग एक सप्ताह 10 दिन पहले, वह उस मंच पर भी नहीं गए और मंच का भी बहिष्कार किया। ऐसे गद्दार लोग, ऐसे जो लोग अपने दल, आपकी सरकार, अपने गठबंधन के प्रत्याशी का खिलाफ करते हैं, वैसे लोग दूसरों को चरित्र पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। मैं पूरी निष्ठा के साथ, जब भोला बाबू मेरे प्रत्याशी के रूप में थे या आज गिरिराज सिंह हैं, मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी पार्टी, अपना गठबंधन और अपने नेता और अपने प्रत्याशी के साथ हूँ। और इसका सर्टिफिकेट डॉक्टर संजीव जैसा विधायक कम से कम नहीं दे सकता है, लेकिन आज उसने जो किया है उससे यह साबित होता है कि उसका भाई जो कांग्रेस पार्टी से MLC है, वह खगड़िया में विरोध कर रहा है NDA प्रत्याशी का, बेगूसराय में विरोध कर रहा है NDA प्रत्याशी का और महागठबंधन के साथ घूम रहा है। ऐसे जिसका भाई है प्रत्यक्ष रूप से NDA का विरोध कर रहा है और उसका एक भाई छद्म रूप से NDA प्रत्याशी का विरोध खगड़िया और बेगूसराय में भी करने के लिए आज आया है। और आज बसवाड़ा के मंच पर मैं वहां से निकल के गया था अपने किसी निजी काम से, उसे कौन हक दिया यह बात बोलने का कि मैं कहां गया, क्यों गया, और उसने मेरे जाने पर जो बात कहा यह उसके अहंकार को दर्शाता है, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि वह हमारे NDA के प्रत्याशी गिरिराज जी के समर्थन और उनका शुभचिंतक नहीं है, उनके वोट को खराब करने, यहाँ के माहौल को खराब करने, भाजपा और जदयू के बीच में विद्वेष खड़ा करने के लिए वो यहाँ पर आया और यहाँ आकर के वो काम करके चला गया। उसका भाई जो MLC है प्रत्यक्ष रूप से NDA का खिलाफ कर रहा है इस चुनाव में, और वह भी परोक्ष रूप से NDA के मंच पर जाकर या मंच से बाहर रह करके वह NDA का खिलाफ कर रहा है। और मैं तो पहले कहा हूँ जो सरकार का खिलाफ, जो अपने सरकार का नहीं हुआ जो विधायक, उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता है। और अच्छा हुआ कि मैं उस मंच से चला गया, कम से कम गद्दारों के साथ, उस गद्दार के साथ मुझे मन साझा नहीं करना पड़ा, यह अच्छी बात हुई है। यद्यपि मैं गया था अपने रिश्तेदार के निधन होने के समाचार को पाकर, और मैं आज अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन यह दुखद है और इस तरह से ऐसे लोग चुनाव को खराब कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री तक ये शिकायत, मैंने गिरिराज जी को ये शिकायत कर दिया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये शिकायत करूंगा कि जो आपकी सरकार को गिराने का कुत्सित प्रयास और सफल प्रयास किया, वह फिर से इस चुनाव में भी विद्वेष पैदा करने के लिए खगड़िया और बेगूसराय के NDA के वातावरण को खराब कर रहा है। उनके इस बयान का NDA बेगूसराय में NDA के किसी नेताओं ने प्रतिकार किया, विरोध किया? नहीं, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन चूंकि यह आक्षेप मेरे आचरण पर लगाया गया, मुझे कहा गया कि मैं भोला सिंह जी के चुनाव में गद्दारी किया हूँ। कहाँ था वो भोला सिंह के चुनाव में? किसी ने कोई नहीं कह सकता है, आज तक कोई इस बात को कह नहीं सकता है, सिर्फ डॉक्टर संजीव के। मेरे चुनाव में भी इस तरह का परसेप्शन बनाया कि मैं भोला बाबू का विरोध किया, गिरिराज का विरोध किया, उस चुनाव में अपना फायदा लेने के लिए किया, मैं उसमें कुछ नहीं बोला। लेकिन आज मैं इसलिए चुप नहीं रह सका कि उसके इस बोलने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या मेरे चाहने वाले, मेरे शुभचिंतक, ऐसे लोगों को ठेस पहुंच रहा है, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं। और इसलिए मैंने कहा है कि गद्दार डॉक्टर संजीव हैं जो अपने सरकार, अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं, इसका पूरा प्रमाण है। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि उसमें बिहार की सरकार के द्वारा, उनके ही दल के एक विधायक के द्वारा उन पर केस किया गया कि वो भारी रकम दे करके सरकार के खिलाफ वोट कराने के लिए उसको अपहरण कर लिए थे। ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये उन्हीं के सरकार है,